सुबह में अलंकार ज्वेलर्स के चोरी मामले में कोई खुलासा ना होने से नाराज आज सराफा व्यापारियों ने दुकान को बंद करके काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन किया और जल्द सराफा दुकान में ही चोरी का खुलासा ना होने पर चुनाव बहिष्कार करने की बात कही है। आपको बता दें कि महोबा शहर के आला चौक के पास संचालित अलंकार ज्वेलर्स में 30 जनवरी को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए थे। इस मामले में अभी तक चोरी का कोई खुलासा न होने से सराफा व्यापारियों में खासी नाराजगी है। यही वजह है कि सराफा बाजार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अवनीश सोनी सहित सभी सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानों में ताला लगा दिया और काली पट्टी बांधकर जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि पुलिस प्रशासन सराफा दुकानदार के यहाँ हुई चोरी का खुलासा नहीं कर पा रहा है, जबकि पूर्व में भी कई वारदातें हो चुकी हैं। इसको लेकर सराफा व्यापारियों में खासी नाराजगी और रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर हाथों में काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया है। सराफा व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द खुलासे की मांग की और कहा कि यदि खुलासा नहीं हुआ तो पूरा बाजार बंद किया जाएगा। सराफा व्यापारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि पुलिस जल्द से जल्द चोरी का खुलासा नहीं कर पाई तो खुले तौर पर व्यापारी मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि अलंकार ज्वेलर्स में 30/31 की मध्य रात्रि में चोरी हुई थी। चोरी के खुलासा के लिए फुटेज भी पुलिस प्रशासन को पूरा दे दिया गया। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन में पुलिस प्रशासन वही ढाक के तीन पात, कहीं कुछ नहीं हुआ। इससे पूर्व में भी जो चोरियां हुई उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो हमारा विरोध इस बात का है कि आप इस चोरी का खुलासा करिए। जब हमने फुटेज दे दिए, उनके चेहरे सामने आ गए, तो इसका खुलासा होना चाहिए। आज 12 तारीख से 15 तारीख तक का ये समय दिया गया है कि 15 तारीख तक आप खुलासा करिए, कुछ ना कुछ ठोस कार्य करिए। 15 तारीख के बाद से फिर हम ये ना, अगर नहीं खुलती है तो हम अपना बाजार बंद रखेंगे, सराफा बाजार। और जिला कारणकारिणी से बात करके हम 16 तारीख से ही इसको और आगे बढ़ाने का करेंगे। नगर बंद कराएंगे, जिला बंद कराएंगे और अगर नहीं कुछ होता है तो 20 तारीख को पूर्णतः मतदान का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं, व्यापारी वोट नहीं डालेगा, क्योंकि अगर व्यापारियों की सुरक्षा ही नहीं होगी तो व्यापारी वोट किस लिए करेगा। कि व्यापारियों में बहुत दिनों से है, बहुत सारी चोरियां हुई हैं और पुलिस प्रशासन का रवैया बड़ा ढोलमोल है। कई चोरियां तो हुई हैं और टप्पेबाजी हुई है, उनकी FIR तक नहीं लिखी गई और इसी कारण से व्यापारियों में बहुत आक्रोश था। अभी 30 तारीख को जो अलंकार ज्वेलर्स में चोरी हुई, उसमें तो बाकायदा फुटेज वगैरह भी मिल गए, लेकिन प्रशासन और जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा है, उसे कोई मतलब नहीं। व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहा है, व्यापारियों की दुर्दशा होती रहे, इसलिए आक्रोशित हैं हमारे व्यापारी और उसी उपलक्ष्य में ये जो है आज बंदी भी रखी है और अभी हम जाके DM साहब को ज्ञापन भी दे रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को। इसके बाद अगर जो है शीघ्र ही इसका जो है निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग पूरा महोबा बंद करेंगे। और इसके अलावा हमारे व्यापारियों ने जो निश्चित किया है कि हम बहिष्कार भी करेंगे, मतदान नहीं करवाएंगे, मतदान का 20 तारीख को पूर्णतया बहिष्कार करेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग का उत्पीड़न व्यापारी कितना बर्दाश्त करेगा। तो इसलिए व्यापारियों ने ऐसी कल रात में मीटिंग करके निर्णय लिया है और वो हम लोग करेंगे। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट।